स्लाइडर एंड स्वान ने जो सेल थ्योरी दिया उसके अनुसार सेल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर यूनिट है। जैसे अगर हम किसी एनिमल या किसी प्लांट बॉडी को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हम ये पाएंगे कि हमारी बॉडी जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे सेल से बनी हुई है। उनके अनुसार सेल ही हमारे बॉडी का फंक्शन यूनिट है। जैसे कि कोई भी एक छोटा से छोटा छोटा हमारी बॉडी का फंक्शन सेल के थ्रू ही किया जाता है। जैसे कि किसी भी फूड का डाइजेशन हमारे गट में अवेलेबल सेल के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम के सिक्रेशन से होता है। जो फूड डाइजेस्ट हो जाते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन भी सेल के थ्रू ही होता है। वैसे ही प्लांट बॉडी में फोटोसिंथेसिस का जो फंक्शन होता है वो सेल के थ्रू ही होता है। रूट में भी सेल ही पाया जाता है जिसके थ्रू वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। आगे अगर हम देखें तो सेल्स मरते भी हैं और रिप्लेस भी होते हैं। जो सेल पुराने हो जाते हैं वो मर जाते हैं और उनकी जगह नए सेल आते हैं, और जिससे कि हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स कंटिन्यूस फंक्शनल होते हैं और काम करते रहते हैं। उन्होंने बाद में बताया कि मोस्ट ऑफ द लाइफ स्टार्ट्स एज अ सिंगल सेल। जैसे कि किसी प्लांट के एक सीड से ही न्यू सीडलिंग्स होती है और फिर पूरा प्लांट बॉडी ग्रो करता है और उसके बाद उसमें फ्रूट्स और फ्लावर्स ग्रो कर पाते हैं। वैसे ही ह्यूमन बीइंग्स में एक जिंदगी की शुरुआत एक छोटे सेल से ही होती है, जो कि स्पर्म और एग के फर्टिलाइज होने के बाद एक जायगोट को डेवलप करती है और जायगोट डेवलप होकर के एक स्मॉल ह्यूमन बीइंग में बदल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सेल हमारी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे बेसिक यूनिट है और सबसे ज़रूरी यूनिट है। इसी से हमारा सेल बनता है, हमारी बॉडी बनती है और सारे फंक्शनल जितने भी काम होते हैं वो सेल के थ्रू ही होते हैं।